इतना खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें क्या खास बात है कि लोग उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। एक मेरी इस वक्त मुलाकात हो रही है ऐसे शख्स से हो रही है जो बेबाक बोलते हैं और देश हित में बोलते हैं, किसी को बुरी लगे लेकिन देश बचेगा, बेटियां बचेंगी तो देश बचेगा। इस वक्त हमारी महिला खिलाड़ी अपनी पदक प्रधानमंत्री को वापस कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह कर के न खेलने का ऐलान कर रही हैं। ऐसे हालात में जो हमारे जाट उप राष्ट्रपति जी हैं, ये बेटियां भी जाट फैमिली से ही हैं, उपराष्ट्रपति भी जाट फैमिली की हैं, क्या ये दोनों की बात उपराष्ट्रपति जी ने अपने आप को भटकाने के लिए तो ऐसा खेल नहीं खेला है? ऐसा है जावेद साहब कि हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है, या मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो बच्ची जब गोल्ड मेडल लेके आई थी तो सब ने, पूरा भारत ने पलके बिछाई, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा अनाउंस किया कि इसके नाम पे स्टेडियम बनेगा, आज तक वो स्टेडियम नहीं बन पाया। और जंतर मंतर धरना से लेके पार्लियामेंट मार्च तक जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूँ कि सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। और यही नहीं, अगर आप देखेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में तो जितने भी पदाधिकारी हैं, एक विशेष वर्ग से और एक ग्रुप के लोग हैं वहाँ पे, उनका वर्चस्व है। जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो कहते हैं कि हर जगह होने चाहिए, वहाँ पे वो नहीं है। इतना खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें क्या ख़ास बात है कि लोग उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं, एक चीज़। दूसरा, आपने एक नाम लिया कि वो भी उस जात कम्युनिटी से, ये सवाल नहीं है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भाई बेटी बचाने के लिए आपने क्या किया? और यही नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी के अंदर या इवन अदरवाइज जो दिग्गज सियासी पार्टियाँ हैं, वहाँ पर भी हमारी ढेर सारी महिलाएं अभिनेत्री जो हैं नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, मंत्री हैं, एमपीज हैं, उनको भी उसके फेवर में खुल के आना चाहिए, जो कि नहीं आ रही हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। और इस तरह से एक बताऊं मैं आपको कि वर्चस्व जो है पंजाब का, हरियाणा का, रेलवे का और सर्विसेज का जो है गेम्स में, और खास करके जो कुश्ती है, हॉकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि तमाम प्लेयर्स जो लेडीज हैं, जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी खेल से क्यों ना हो, वो भी उभर के नहीं आई। मैं यहाँ तक ये कहता हूँ कि जो भी आई हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने शासन का पक्ष या जो सत्ता में है उनके खिलाफ बोला है, कॉम्प्रोमाइज करने की बात कही गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सिर्फ एक कपिल देव जो उसका ये खमियाजा भुगतना पड़ा उसको, कि उसको अहमदाबाद स्टेडियम में इतना बड़ा नेशनल मैच, इंटरनेशनल मैच हो रहा, उसको जगह नहीं दी गई। उसी तरह से जिस बच्ची की बात कर रहे हैं उसके साथ सरासर उसी के साथ ही तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ है। और जिस एमपीज का नाम आता है, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ बाहुबली कह लीजिए या पैसे के बल पर कह लीजिए या पार्टी एफिलिएशन की, बहुत से फैक्टर्स हैं, उनको खुद जो है उससे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी है, छोटी छोटी बातों पे लेके एक्शंस हो रहे हैं, और इस तरह की जो इतनी बड़ी घटना हुई है, एक इंटरनेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल पे जो है अंतर्राष्ट्रीय तो बहुत बदनामी हुई है। और उस बच्ची ने तो यहाँ तक कहा कि हम जो है अपना पद्मश्री भी वापस कर देंगे, हमें मेडल की बात करें। अच्छा, गेम्स से कैसा है बता दूँ आपको कि जो भी लेके आता है अपने बाजुओं के बल पर लेके आता है। यहाँ पर किसी की सिफारिश, हम एक बात कहते हैं कि जैसे कि शिक्षा की बात आती है, शिक्षा ग्रहण की जाती है अपने बाजुओं के दम पे, आदमी ग्रहण करेगा। दौलत दिया जा सकता है, लिया जा सकता, छीना जा सकता है। उसी तरह स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल उसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, उसके माँ बाप तो खैर उसको इंकरेज करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको इक्विप करेंगे, लेकिन जो उसने मेहनत किया है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको सम्मान की जरूरत है कि जो एलिगेशंस लगाती है उसमें निष्पक्ष और उसके साथ न्याय होना चाहिए। बात करने के लिए बहुत ही शानदार
यकीनन पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जब कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे देश की बच्चियां और माओ ने सम्मान से उनका इज्जत लिया था, उन्हें भरपूर और जिताया था। लेकिन जो माहौल बना है इस वक्त देश की बेटियों के साथ में, यकीनन ये माहौल आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत एक दिन न एक दिन खतरनाक साबित होगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिनल।